मराठा एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ दुष्य। और सबसे पहले बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहाँ विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड का मामला एक बार फिर उजागर हुआ। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट विशेष न्यायिक जांच आयोग को सौंपी गई है। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद तय होगी आगे की जांच दिशा। और राज्य सरकार की ओर से श्यामगिरी घटना की जांच के लिए गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष को जांच अधिकारी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और दस्तावेज सौंपेंगे। आपको बता दें कि आयोग द्वारा इन दस्तावेजों और रिपोर्ट के अध्ययन के बाद आगे की जांच की दिशा तय की जाएगी। आयोग ने जांच अधिकारियों को इस पर आगे जांच जारी रखने और महत्वपूर्ण जानकारियों से आयोग को नियमित अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार हेमंत शर्मा मैं सर लाइव जुड़ गए। हेमंत, अध्यक्ष अध्ययन के बाद में अब पूरी दिशा निर्देश या किस तरीके से जांच अब आगे होनी चाहिए या होगी ये निर्भर करता है, क्या कुछ इस खबर पर और अपडेट मिल पा रहा है हेमंत? हाँ देखिए बुशरा, जिस तरीके से श्यामगिरी के जंगलों में जो विधायक है दंतेवाड़ा भीमा मंडावी, उनकी हत्या कर दी गई थी नक्सलियों द्वारा, इसके साथ ही वहाँ उनके साथ मौजूद तीन जवानों की भी मौत वहाँ हुई थी, तो इसके बाद लगातार सरकार पर भी ये दबाव बन रहा था। हालांकि उस समय आचार संहिता लोकसभा चुनाव के कारण लगा हुआ था, इस कारण से जो न्यायिक जांच आयोग है, न्यायिक जांच का ऐलान राज्य सरकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है तो न्यायिक जांच इसमें बैठेगी। तो जो न्यायिक विशेष न्यायिक जांच आयोग है, जिस समय पुलिस ने जिस हत्या के बाद वहां पर जांच रिपोर्ट जांच की थी प्रारंभिक तौर पर, उसकी रिपोर्ट विशेष न्यायिक जांच आयोग को सौंप दी गई है। न्यायिक जांच आयोग द्वारा उस पर गहन अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उस संबंधित केस के, उसको भी वहाँ जो आयोग है वो उन्होंने विशेष आयोग जो न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष हैं उनको सौंप दिया है। पूरी विस्तृत रिपोर्ट वहाँ पर उनको सौंपी गई है और लगातार जैसे जैसे वो इस पर काम करते जाएंगे वो आयोग को दिशा निर्देश और आयोग को ये अवगत कराते रहेंगे कि उस पर क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो पूरे अब मामले को लेकर जो न्यायिक जांच आयोग है वो पूरी तरीके से अब संवेदनशील नजर आ रही है और प्रारंभिक रिपोर्ट अब उनको मिल गया है, तो उनका जो जांच का दिशा है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक श्यामगिरी के जंगलों के पास जाकर वहां पर जांच भी की जाएगी कि क्या हालात तो वहां पर बने थे। हालांकि जो प्रारंभिक रिपोर्ट उसमें मिली है उसमें ये बात का जिक्र है कि भीमा मंडावी को पहले ही वहां के जो TI हैं उन्होंने जाने से रोका था, क्योंकि वहां पर सूचना मिली थी कि नक्सलियों की आमद उस श्यामगिरी के जंगल में है, लेकिन उसके बावजूद जो भीमा मंडावी है वो वहां पर गए। खुद गृह मंत्री जो तामसर साहू है उन्होंने सदन में इस बात का उल्लेख किया था जब सत्ता विपक्ष के विधायकों ने सवाल उठाया कि भीमा मंडावी की मौत हुई है, तो उन्होंने जवाब में यही कहा था कि वहां पर भीमा मंडावी को जाने से रोका गया था, पहले ही उन्हें आगाह कर दिया था लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर गए। तो अब प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मिल गई है विशेष न्यायिक जांच आयोग को, अब जो जांच की दिशा है और अब आगे बढ़ जाएगी। चलिए हेमंत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे।